सलाम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मामा मोटर्स। और ये गाड़ी जो दिख रहा है, ये गाड़ी बोलेरो पिकअप भी है, सिक्स है। और ये गाड़ी का स्टार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गाड़ी का स्टार्ट मारने से व्हाट स्मोक मारता है, साइलेंसर से मारता है और इधर से मोबिल लिख कर रही है। टर्बो का प्रॉब्लम है और टर्बो का प्रॉब्लम क्या क्या खराब होने से टर्बो खराब होता है वो भी देखता है। और एक बार रेस्टार्ट करके साउंड सुनता है गाड़ी का, इधर से मोबिल लीक हो रहा है। टर्बो चार्जर का तो लग रहता है, इधर से मोबिल लीक कर रहा है। रेस करो, रेस करो, अब करो। इसे गाड़ी का टर्बो का मेमर है, अभी कोई टर्बो से कोई साउंड नहीं निकल रहा है और निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो एक बार ये पाइप खुल के दिखता है मोबिल फिक रहा है नहीं फिक रहा है। और पीछे से पूरा व्हाइट स्मोक मारता है, अभी भी व्हाइट स्मोक में नहीं मार रहा है, अभी ठीक ही दिख रहा है। और टर्बो का ही मेमर है, टर्बो खोलेंगे। ये फैन तो दिख रहा है, फैन एकदम फ्री हो गया और पहले भी मार रहा है, ऐसा लग रहा है टूट गया है, एक फैन टूट गया। तभी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके देखते हैं। स्टार्ट करने से अभी साउंड भी ख़राब नहीं हो रहा है। स्टार्ट मारो, पाइप खुला है, दो छोड़ो। पूरा मोबाइल फेंक रहा है, अब करो। ये इंडिक फनीफुल में जो पाइप गया है टर्बो से, इससे मोबाइल लीक कर रहे हैं। और टर्बो जाने से दो तीन बीमारी आता है, एक तो साउंड ख़राब होता है और दूसरा पीछे से पूरा व्हाइट स्मोक मारता है। और कभी कभी ये पाइप से मोबाइल बैक मार रहा है, तो ये पाइप से बैक मार रहा है मोबाइल, ये टर्बो के लिए मार रहा है। और टर्बो खोलेंगे, और टर्बो जाने का कारण तो दो तीन कारण से टर्बो जाता है, तो अभी खोलेंगे। और टर्बो पूरा असेंबली लेकर आया, और ये साथ में ऐसे कोर भी मिलता है, और कोर जब लगाता है तब ये पूरा असेंबली खुलने का ज़रूरत ही नहीं है। ये इधर तीन बोल्ट होता है, ये कोर का तीन बोल्ट खुल के ये बाहर करना सकता है, तब ये पूरा सेट खुलने का ज़रूरत नहीं है। अभी ये टर्बो चार्जर साथ में आया पूरा मैनिफोल्ड का साथ, तो पूरा साइलेंसर ही आउट करेंगे, पूरा टर्बो खोलेंगे। अभी ये टर्बो का मेमर है, टर्बो खोलेंगे। तो टर्बो खुलने का टाइम में ये गियर क्लीन बॉक्स असेंबली पूरा निकालना पड़ता है, और साइलेंसर बॉक्स निकालने का ज़रूरत भी नहीं है। और पहले बोला था ये खाली कोर चेंज करने से इधर से खुल सकता है, और हम पूरा टर्बो का सेट ले गए, हम सेट चेंज करेंगे, तो मैनिफोल्ड का साथ निकालेंगे। बोल्ट सारा खोल दिया, ये मैनिफोल्ड का साथ निकाल दिया, साइलेंसर का अंदर भी मोबाइल गया, तो इसे पूरा सेट लेकर आया। टर्बो चार्जर साथ में है, ये हल्का सा जाम रहता है, खोल दिया। और ये वाला बॉडी टास हो रहा था, इसलिए साउंड कर रहा था, कभी कभी साउंड हो रहा था, कभी कभी साउंड नहीं हो रहा था। ये जो दिख रहा है इधर में, कितना पहले हो गया, ये पहले के लिए मोबिल वोबिल और सामान उनका इशू आया। ऐसे सेट भी मिलता है, और ये कोर भी एक्स्ट्रा मिलता है, और ऐसा ये जैसे हाथ में था ऐसा सेट लाने से दाम कमती है। और ये मैनिफोल्ड के साथ में लेकर आया, दाम तो बहुत है। और ये एक्स्ट्रा कोर भी मिलता है, तो पूरा सेट ही लगाएंगे। दिख रहा है ये टर्बो का कार्टन है, और MRP है ये 24,774 रुपया है, ये पूरा सेट का। और इसे कोर बोला था, इसे कोर लाने से दाम कमती हो रहा था, और इसे एक्स्ट्रा कोर भी मिलता है और इसे सेट भी मिलता है, और कोर का दाम सबसे ज़्यादा कमती है। तो इसको अनबॉक्स करेंगे, ये रहा पूरा सेट, टर्बो असेंबली सेट। इसका साथ ये चार्जर बोलता है, ये चार्जर साथ में आया, और चार्जर का स्टैंड भी आया साथ में, मतलब पूरा सेट, इसलिए दाम इतना है। ये मैनिफोल्ड का साथ, टर्बो चार्जर का साथ आया, ये सेट ही लगाएंगे। तब गाड़ी में फिटिंग करेंगे, ये पूरा असेंबली लगाएंगे गाड़ी में पूरा। ये टर्बो असेंबली, ये
साइलेंसर बॉक्स में पहले फिटिंग करना पड़ता है, और फिटिंग करने के बाद ये हेड में फिटिंग करेंगे। तो हम ये शॉर्टकट निकाल दिया, ये पूरा बॉक्स नहीं निकाल दिया, पहले ये मैनिफोल्ड निकाल दिया इधर से तीन बोल्ट खोल के। तो ये पहले टाइट करके उधर हेड में लगाएंगे। तो ये तीन मैनिफोल्ड का तीन बोल्ट टाइट कर दिया बॉक्स का, तभी हेड में बैठाएंगे। पूरा बैठ गया, तभी ये पाइप लगाएंगे, पाइप मैनिफोल्ड का बोल्ट और ये सारा लगाएंगे, लगाकर शॉर्ट करेंगे। और मोबिल टर्बो फिटिंग कर दिया, टर्बो का आउटसाइड का जितना सामान था, पाइप उप था और मैनिफोल्ड का बोल्ट वायर सारा फिटिंग करके रेडी कर दिया। और अभी स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करके एक बार साउंड सुनता हूँ। और पहले तो साउंड ठीक था, कभी कभी साउंड खराब हो रहा था। स्टार्ट करो, ठीक है साउंड, ऑफ करो। और इसे स्टार्ट करके रखेंगे 10-15 मिनट, इसे स्टार्ट करके रखेंगे बिना रेस से, और रेस नहीं करेंगे। और पहले बोला था टर्बो जाने का 2-3 कारण से टर्बो डेड होता है। एक तो ये हो गया एयर फिल्टर टाइमली वो क्लिक नहीं करने से टर्बो जाएगा, और जल्दी जल्दी इसको क्लिक करना है एयर फिल्टर। और आरोग्य है ये खड़ा गाड़ी, गाड़ी जब स्टार्ट करेगा तब रेस करने से, तुरंत रेस करने से टर्बो जाने का चांस रहता है। कम से कम 10 मिनट रुकना चाहिए स्टार्ट करके, 10 मिनट बाद रेस करना चाहिए तब टर्बो नहीं जाएगा। और तुरंत रेस करने से इंजन भी सीज होने का चांस रहता है जाने का। और मेनली ये एयर फिल्टर से टर्बो का रिलेटिव ज़्यादा है, और एयर फिल्टर ख़राब होने से टर्बो डैमेज जल्दी होता है। तो फिटिंग हो गया, और आज का वीडियो इतना ही है। यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। आइए मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए।